गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली में श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं। तो 5 से 8 जुलाई तक उनका यहाँ कथा होने वाला है, जिसमें कलश यात्रा होगा, हनुमंत कथा होगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कितनी धूमधाम से तैयारियाँ हो रही है। तो मैं अभी आपको वीडियो के थ्रू दिखा सकती हूँ। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो स्टेज वगैरह बन रहा है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्पेस है, जिसमें 1 से 2 लाख तक लोग यहाँ पर उनका कथा आराम से सुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। गाइज, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा स्पेस है। वीडियो में शायद आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, पर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और आप देख भी सकते हो चारों तरफ का व्यू। मतलब ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, बट 5 तारीख से पहले बाबा के स्वागत में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाएगा। कलश यात्रा के लिए मैंने यहाँ पर पता किया है, आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हो, शायद ऑनलाइन पता ना चले आप लोगों को। बट यहाँ पे 4 बजे आप सभी को मंडावली थाना आना है, और वहीं से कलश उठेगा और हम सबको यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं उस दिन ज़रूर आऊँगी। तो अगर आप लोगों को भी शामिल होना है तो आप सभी आएँ। उस दिन आपको पीली या फिर लाल साड़ी में आना है, अपने साथ कलश और नारियल लेकर। तो जल वहाँ से उठेगा और यहाँ पर हम सब लेकर आएंगे, और उसके बाद उस दिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा। उसके अगले दिन उनका कथा है, और उसके बाद जो 8 तारीख होगा उस दिन दिव्य दरबार लगेगा। तो आप सभी यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आएँ।